बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर बिग विग। कम फ्रीली, गो सेफली एंड लीव समथिंग ऑफ हैप्पीनेस यू ब्रिंग फ्रॉम दिस चैनल। सो ऑल माय बिलव्ड एंड प्रीशियस लिसनर्स, आई एम योर एजुकेटर, प्रिसेप्टर, कोच, गाइड, जेंटल एडवाइजर एंड ऑल राउंडेड सोफिस्टिकेटेड टीचर वजीहा मसूद। Let's begin and make a start of today's video. इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बाखैर वाफियत होंगे। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड क्लास 7th, यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। तो आ जाइए मिलके सॉल्व करते हैं और मैथ को आसान बनाते हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, उसके लिंक्स इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट्स को, देन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड एट द लास्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, दैट इज विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। बिना हल किए आप अलग कीजिए इन नंबर्स के स्क्वेयर्स को, कि इवन नंबर का कौन सा स्क्वायर है और ओड नंबर का कौन सा स्क्वायर है। सो ये बहुत इजी है, जस्ट आपको इसके लिए इवन का और ओड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलें आए पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। सो इवन को उर्दू में जुफ्त कहा जाता है और ओड को ताक कहा जाता है। तो इवन नंबर्स यानी के जुफ्त अदाद, ओड नंबर्स यानी के ताक अदाद। सो ऐसे नंबर्स जिनके आखिर में, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, लास्ट में, आखिर में, उससे पहले कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं कि ये वाले नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर जिनके लास्ट में, आखिर में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, शुरू में कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आखिरी नंबर ही आपको बताएगा कि मैं कौन से नंबर से ताल्लुक रखता हूँ, ओड से या इवन से। तो ऐसे नंबर जिनके आखिर में होगा 1, 3, 5, 7, 9, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, ओड नंबर्स होंगे यानी के ताकदाद होंगे। तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, अब उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि कौन से नंबर्स जो हैं वो ओड नंबर्स का स्क्वायर हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर भी अगर मालूम करते हैं तो वो इवन ही आएगा, और ओड नंबर का अगर स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो ओड ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक इवन नंबर है 2, अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ यानी कि उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 2 4, तो ये देखें 2 जो था वो इवन नंबर था, तो इसकी प्रोडक्ट 4 वो भी क्या है, इवन नंबर। इसी तरह अगर मैं लूँ 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, लास्ट नंबर को आपने देखना है। यहाँ पे देखें 8 जो था वो इवन नंबर था और 4 भी किसकी लिस्ट में आता है, इवन नंबर्स की। इसी तरह अगर मैं लूँ 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू 144, तो देखें 12 के आखिर में 2 था और 144 के आखिर में 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इसी तरह ओड नंबर्स की तरफ चलते हैं कि अगर हम ओड नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो क्या वो ओड नंबर होता है या नहीं। सो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9, सो देखिए 9 भी क्या है, ओड नंबर है। इसी तरह अगर हम 7 का स्क्वायर लें, 7 7 ज़ा 49, सो 9 इसके लास्ट में, इट्स मीन्स 7 भी ओड नंबर था और 9 भी क्या आ रहा है, हमारा ओड नंबर। इसी तरह अगर हम 5 का लें, 5 5 ज़ा 25, सो देखिए इसका लास्ट नंबर 5 आपको बता रहा है कि मैं ओड नंबर के घराने से ताल्लुक रखता हूँ। तो अभी ये बात साबित हो गई कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर लिया जाएगा तो वो भी इवन ही होगा, और ओड नंबर का स्क्वायर लिया जाएगा तो वो भी ओड होगा। सो आइए अब हम
पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं जिनका ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 3 से है जी। तो सेवेंथ क्लास सॉल्व किए बगैर अब हम सेपरेट करने लगे हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 441। अभी हमने डिस्कस किया कि जस्ट हमें लास्ट नंबर ही बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वेयर जो है ये किस नंबर से बिलोंग करता है, इवन या ओड से। तो वन नंबर जो है वो ओड की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इट्स मीन 441 इज द स्क्वेयर ऑफ ओड नंबर। अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं पार्ट टू की तरफ, 144। ये फोर हमें बता रहा है कि मैं जो हूँ वो इवन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप लिखिए 144 इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इसी तरह पार्ट थ्री पे चलिए, 2401 यानी कि 2401 वन बता रहा है कि मैं ताक अदद हूँ, ताक घराने से मेरा ताल्लुक है, तो आप यहाँ पे लिख दें इट इज द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी वन है, सो इट इज आल्सो द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर। यहाँ पे 5 है, देन इट इज आल्सो द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर। नाउ मूव टूवर्ड्स द पार्ट 6। इसके लास्ट में 6 है जो हमें बताता है कि मैं इवन नंबर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 11236 इज द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर। अंडरस्टूड। इसी तरह ये 9 बता रहा है कि मैं ओड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा आप इस तरह लिखेंगे इट इज द स्केयर ऑफ एन ओड नंबर। और ये 4 हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैं इवन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सेम इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट लिखी है, आप जस्ट नंबर ऐड करें। इस तरह 12544 इज द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर। तो देखा ये कितना आसान है किसी भी परफेक्ट स्केयर को सेपरेट करना कि वो नंबर्स की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इवन या ओड नंबर की फैमिली से। सो ये बहुत आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्केयर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। कहता है दी गई फ्रैक्शंस का स्क्वेयर मालूम कीजिए और फिर उनको उनका आपस में इस फ्रैक्शन का और जो आंसर आ रहा है उस फ्रैक्शन का आपस में कंपैरिजन कीजिए, मुआजना कीजिए। तो हमें पता है ऊपर वाली वैल्यूज को हम न्यूमरेटर्स कहते हैं, और नीचे वाली वैल्यूज को हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 4 यूनिट नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इनका फाइंड आउट करेंगे स्क्वेयर। तो स्क्वेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज को डबल करना पड़ेगा। तो स्क्वेयर लेने के लिए हम इस तरह ब्रैकेट डालते हैं और ऊपर 2 को इंडिकेट कर देते हैं कि हम स्क्वेयर ले रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 3 का स्क्वेयर ओवर 4 का स्क्वेयर। 3 को लिखेंगे 2 टाइम्स। स्क्वेयर का मतलब भी क्या होता है कि वैल्यू को डबल कर दें, और 4 को भी लिखेंगे 2 टाइम्स। 3 थ्रीज आर 9 एंड 4 फोर्स आर 16। टेबल पढ़ लिए हमने। अब हमने क्या करना है,
जो क्वेश्चन वाली फ्रैक्शन थी वो थी 3/4, और अब जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट करके फ्रैक्शन निकाली वो है 9/16। इसका आपस में कंपैरिजन करना है। यहाँ पे हमें 4.4 से ही जो है वो हेल्प लेनी है कि हमें फर्स्ट फ्रैक्शन के फुल नंबर्स को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, मींस 3/4 को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो कि है 16। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने इसी तरह किया था। और जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है 9/16, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ जो कि यहाँ पे है 4। अंडरस्टूड? अब हमने क्या किया, टेबल्स पढ़ लिए। 3 का टेबल हमने पढ़ा 16 तक, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 3 6 18, 1 is carry, 3 1 3 और 1 4 48, एंड 16 multiply by 4 इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 6 का टेबल 4 तक पढ़ लेते हैं। 6 4 24, 4 आ गया, 2 carry, 4 1 4 एंड 2 ऐड किया, 64 64। ओके, अब 9 का टेबल 4 तक पढ़ा, 9 4 36 एंड 16 16 multiply by 4 64। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, इनके न्यूमिरेटर्स को आपस में कंपेयर कर लें। 48 और 36, बताइए इसमें कौन सा साइन आएगा। हमने कहा वो साइन जो आपके सीधे हाथ की फिंगर से बनता है उसको जो है वो हम कहते हैं लार्जर, और वो साइन जो आपके उल्टे हाथ की फिंगर से बनता है उसको हम कहते हैं स्मॉलर। तो यहाँ पे देखिए 48 जो है वो ग्रेटर है, सो यहाँ पे कौन सा साइन आया, ग्रेटर का साइन आया। सो 48 इज ग्रेटर देन 36, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 48/64 इज ग्रेटर देन 36/64। तो 48/64 किसकी फ्रैक्शन थी, 3/4 की, और 36/64 किसकी फ्रैक्शन थी, 9/16 की। तो 3/4 जो है वो ग्रेटर है 9/16 से। और याद रखिए जब भी हम किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर मालूम करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन होती है अपने स्क्वायर फ्रैक्शन से। ठीक है जी, तो पार्ट टू करने लगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो के है 5/6। तो क्या करना है, जस्ट इसकी पहले फ्रैक्शन का स्क्वायर ले लेना है, 5/6 का स्क्वायर ले लेना है। ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद इसको क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे इसको सेपरेटली अलहदा अलहदा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इनको डबल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि नंबर्स को इट्सेल्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आया, 5 5 2 5 25 एंड 6 6 36। तो ये है स्क्वायर 5/6 का। अब 5/6 को हमने कंपेयर करना है इसके स्क्वायर्ड नंबर से, स्क्वायर्ड फ्रैक्शन से जो कि है 25/36। अब वही बात के 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो के है 36, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो के है 6। 12 ये बात हुई है, मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप सबको ये बात, ये पॉइंट याद होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 36 तक पढ़ेंगे, 5 6 30 0, 3 कैरी चला गया, 5 3 15 16 17 18, तो आया हमारे पास 180 ओवर
36 का टेबल 6 तक पढ़ लेते हैं. 6 6 जा 36, 3 कैरी चला गया, 6 3 जा 18, 19, 20 एंड 21, 216 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे 25 का टेबल पढ़ना है, 6 तक पढ़ लेते हैं. 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी चला गया, 6 2 जा 12, 13 14 15 आ गया 150 बाय, अभी यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 216. डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर्स को आपस में कंपेयर कर लें, देखें 180 और 150 में कौन सा साइन प्लेस होगा, ग्रेटर का साइन प्लेस होगा. अभी बात की, अगर आप याद रखें कि जो हमारी फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है अपने स्क्वेयर्ड नंबर से, स्क्वेयर्ड फ्रैक्शन से. तो यहाँ पे भी ये बात साबित हो गई कि 180 जो है वो ग्रेटर है 150 बाय 216 से. 180 किसकी फ्रैक्शन थी, 5 बाय 6 की, एंड 150 बाय 216 किसकी फ्रैक्शन थी, 25 बाय 36 की. सो साबित हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर है देन स्क्वेयर्ड फ्रैक्शन. सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी तरीके से हल कीजिएगा, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी अगर मैथ को दिल लगा के करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए और वजीहा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.